क्लास थर्ड SST स्टूडेंट, पहले आपकी जो SST चलती थी वो दूसरी थी, बट ये अवर इन्वॉल्वमेंट, ये आपकी SST की बुक है, ठीक है? इस बात को याद रखिएगा, ये आपकी SST की बुक है। नाउ पेज नंबर 6। ओके, हम नाउ हमने यहाँ पे एंड किया था। नाउ नेक्स्ट पोर्शन, फैमिली ट्री। नाउ यू कैन सी दैट ये आपका फैमिली ट्री है इस तरह से। अ फैमिली ट्री हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप विद इन द फैमिली। ये जो फैमिली जो ट्री है वो आपको समझाएगा किस तरह से फैमिली में जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो आपको कौन कौन, जैसे कौन आपका ताऊ है। कभी कभी आपके घर में ऐसे ऐसे गेस्ट आ जाते हैं, आप पैर तो छू लेते हो या आप नमस्ते तो कर लेते हो, लेकिन आपको पता नहीं होता ये कौन है। फिर मम्मी बताएंगे, बेटा ये तुम्हारे चाचा जी है, ये तुम्हारे दादा जी हैं, या ये तुम्हारे कोई मामा जी हैं, ठीक है? तब आपको पता चलता है कि ये है। तो जो हम एक फैमिली जो ट्री बनाएंगे उससे हमें क्या पता चलेगा, हमें क्या आइडिया लग जाएगा, हमारे फैमिली मेम्बर्स की जो रिलेशनशिप्स हैं उनके बारे में हमें क्लियर, हमें नॉलेज मिलेगी। नाउ आई नो द फैमिली इज आवर फादर साइड इज कॉल्ड पेरेंटल फैमिली, ठीक है? जो फादर के साइड की होती है वो क्या होती है, पेरेंटल फैमिली होती है। एंड ऑफ आवर मदर साइड इज कॉल्ड मैटरनल फैमिली। मैटरनल फैमिली, फादर्स पेरेंट्स आर कॉल्ड दादा दादी, एंड मदर पेरेंट्स आर कॉल्ड नाना नानी, ठीक है? हम हिंदी में क्या कहते हैं, दादा दादी कहते हैं, और मदर साइड के क्या होते हैं, नाना नानी होते हैं, ठीक है? इसीलिए हम लोग जब इंग्लिश में लिखते हैं तो हम लोग नॉर्मली ग्रैंडफादर नाना में भी लिखते हैं और दादा में भी ग्रैंडफादर लिखते हैं। बट बेसिकली जब हम किसी को अंडरस्टैंड कराते हैं तो जब आप अपने दादाजी से मिलवाओगे तो बोलोगे मीट माई ग्रैंडफादर। जब आप अपने नाना जी से मिलवाओगे तो ये हो जाएगा मैटरनल ग्रैंडफादर, मीट माई मैटरनल ग्रैंडफादर। जहाँ आप मैटरनल वर्ड यूज़ करोगे, ये है तो ग्रैंडफादर ये भी, बट ये हमारे क्या है, ये मैटरनल ग्रैंडफादर है, ठीक है? तो आप जैसे किसी को इंट्रोडक्शन कराओगे तो बोलोगे दिस इज़ माई ग्रैंड मदर, एंड दिस इज माई नानी को हम क्या बोलेंगे, मैटरनल ग्रैंड मदर। तो मैटरनल ग्रैंड मदर कहने से वो तुरंत अंडरस्टैंड कर लेगा कि येस इट मीन्स ये इनकी मम्मी की मम्मी है। ओके, फादर हाँ क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट, लेट अस अंडरस्टैंड द पैटर्न फैमिली ट्री, ठीक है? पैटर्नल फैमिली ट्री है ये आपका, ठीक है? पैटर्नल फैमिली कौन सी हो गई, दादा दादी की साइड की। तो इसमें मैन और वुमेन मतलब आपके दादा दादी, ठीक है? ये फर्स्ट जनरेशन है, उसके बाद वहाँ से चेंज होना शुरू हुआ, ठीक है? वहाँ से हमारा चेंज हुआ तो पहले हुआ फादर, फिर मदर, आपके मम्मी पापा आ गए, ठीक है? एक मैन वुमेन कौन हो गए, ताऊ जी ताई जी, और एक कौन हो गया, बुआ वुमेन, ठीक है? ये आपकी सेकेंड जनरेशन आ गई। कभी आगे ताऊ ताई भी होते हैं, किसी में चाचा चाची भी होते हैं, ठीक है? तो ये उस हिसाब से यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी। वैसे आपकी बुआ भी होती है, तो ये सब एक ही जनरेशन में आते हैं। आपके पापा के भाई बहन है ना सारे, तो वो सारे एक ही जनरेशन में आएंगे, तो यहाँ पर हमारी सेकेंड जनरेशन हो जाती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड जनरेशन में आते हैं। थर्ड जनरेशन में जैसे आपके मम्मी पापा हैं, उनसे आप हुए, आपकी बहन हुई, या आप दो भाई हुए, या दो सिस्टर्स हुई, या दो भाई एक सिस्टर, तो जितने भी एक मदर और आपके मम्मी पापा के बच्चे होंगे वो हमारे एक रो में आएंगे। ताऊ ताई के जितने बच्चे होंगे बॉय और गर्ल में, वो एक साइड आएंगे। बुआ के जो होंगे, तो बुआ के क्या है, फूफा जी से शादी होगी तो उनके बच्चे भी हमारे वो आएंगे, लेकिन वो हमारे इस फैमिली में नहीं आएंगे क्योंकि बुआ तो अदर घर जाएगी ना शादी करके, तो वो हमारे इस फैमिली ट्री में इंक्लूड नहीं होंगे। इस फैमिली ट्री में हमारे ताऊ चाचा हाँ ये सब इंक्लूड होंगे। जैसे गर्ल्स है, अब आपकी सिस्टर्स हैं, ठीक है? आपकी कज़न सिस्टर हो गई ताऊ या चाचा के बच्ची, या आप की रियल सिस्टर हो गई, वो शादी करके बाहर जाएगी ना किसी और के घर, तो उसको वो आगे उस ट्री में मेंशन नहीं होगी, ठीक है? बट आपकी फैमिली आगे ट्री में मेंशन होती चली आएगी। तो ये हमारी कौन सी हो गई, थर्ड जनरेशन। इस तरह से आप जिस जनरेशन में हो, आप थर्ड जनरेशन में हो, ठीक है? क्योंकि आपसे पहले आपके मम्मी पापा, उनसे पहले उनके दादा दादी, और बहुत से ऐसे लकी पर्सन होंगे जिनके जो है ना ग्रैंड फादर के अलावा ग्रैंड टू ग्रैंड फादर या ग्रैंड टू ग्रैंड मदर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पर नान पर दादा पर दादी बोलते ना, वो होंगे। तो वहाँ से फिर हमारी फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट होगी, फिर दादा दादी सेकेंड, फिर आपकी मम्मी पापा और ताऊ ताई थर्ड, फिर उसके बाद आप आओगे फोर्थ जनरेशन में, ठीक है? तो ये आपका फैमिली ट्री है। इस फैमिली ट्री को आपको पिक्चर पूरा अच्छे से
बनाना है, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरह से इसको एज इट इज जैसा आपकी बुक में दिया है आपको अपनी बुक में बनाना है, और उसके बाद उसकी पिक हमें विथ नेम क्लिक करके सेंड करनी है। ओके, सो हैव अ नाइस डे।